तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 1600-1440 आरपीएम वॉल फैन या दोस्तों टेबल फैन को 3 स्पीड में किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। जैसा फ्रेंड्स यहां पर आप जो स्टेटर देख रहे हो दोस्तों, इसकी जो हमारी मॉडल है यानी कि जो हमारी फैन की ब्रांड है वो हमारी उषा पेडेस्टल फैन की हमारी स्टेटर है। और यहीं पर दोस्तों अगर पंखे की बात की जाए तो ये फैन हमारी कुछ इस तरह की दिखने में होती है, आप देख सकते हो। और ये दोस्तों फैन हमारी काफ़ी अच्छी यहाँ पर चलती भी यानी कि कॉस्टली भी आती है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा टाइम देके पूरा जोर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, पर दोस्तों जानकारी आप लोगों को काफ़ी भर भर कर यहाँ पे जो मिलने वाली है और आप लोग आसानी से दोस्तों जो है 3 स्पीड में पंखे को वाइंडिंग करना सीख जाओगे। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी स्टेटर दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो स्लॉट है ये हमारी काफी छोटी छोटी स्लॉट है, आप देख सकते हो। और ये हमारी उषा की स्टेटर है तो यहाँ पे छोटा ही स्लॉट होगा। सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स इस फैन के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये फैन हमारी सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी करंट पे रन करती है। अगर दोस्तों इस फैन की वाटेज की बात की जाए तो ये हमारी 55 वाट की फैन होती है। यहीं पे ये स्टेटर दोस्तों हमारी 4 पोल में वाइंडिंग होती है, यानी कि इसकी अगर आरपीएम की बात की जाए तो ये हमारी 1440 आरपीएम में फैन होती है, यानी कि 4 कॉइल आपको जो है रनिंग कॉइल में देखने को मिलेगी और 4 कॉइल दोस्तों आपको जो है स्टार्टिंग कॉइल में भी देखने को मिलेगी। और यहीं पर अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो इस पंखे को रन कराने के लिए हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं या इस पंखे के अंदर कैपेसिटर यूज में ली जाती है वो हमारी 1.5 MFD की होती है, यानी कि 1.5 MFD से लेके आप इसके अंदर 2.5 MFD तक आसानी से कैपेसिटर को यूज कर सकते हो। दोस्तों अभी हमने जो पंखे के ऊपर बात किया था, अब यहाँ पे हम इस स्टेटर के ऊपर बात करते हैं ताकि जो इसके अंदर मैं डाटा डालूंगा आप अपने स्टेटर में बेहचक आसानी से यूज कर पाओगे। यहाँ पे हम जो है स्टेटर की मोटाई जानेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि स्टैम्पिंग, यानी कि स्टेटर की साइज हमारी क्या है, और ये चीज़ दोस्तों हमारी काफ़ी मैटर भी रखती है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटर की मोटाई की बात की जाए ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। यहीं पे अगर से हम एमएम में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो ये हमारी 25 mm आ जाती है। अगर हम इसे इंच में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी दोस्तों 1 इंच की यहाँ पे जो है आ जाती है। तो हमारी स्टेटर की मोटाई इस तरह से है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आईडी की बात करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आईडी की हम बात कर लेते हैं तो ये तकरीबन दोस्तों हमारे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। यहीं पे ओडी की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे आ रही है। तो स्टेटर की जो हमारी कुछ इस तरह से थिकनेस है यानी कि साइज है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डाटा की बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपको मैं क्वाइल बना के बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें 3 स्पीड की क्वाइल हमें किस तरह से बनानी है, क्वाइल को हमें जो इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है, यहाँ पे कनेक्शन हमें जो है किस तरह से करनी है, यानी कि हर एक जानकारी आप लोगों को मैं बताता हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के पास जा रही है, तो मेहनत लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वाइल बनाने के लिए एक मैं हैंड ग्राइंडर मशीन का यूज कर रहा हूँ जो हमारी 1/10 की है। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहला नंबर रनिंग क्वाइल को बनाएंगे। तो रनिंग क्वाइल को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो फर्मे को सेट करनी है 17 इंच गोलाई पे, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 17 इंच पे यहाँ पे जो सेट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो 37 नंबर की कॉपर वायर लेनी है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो ले लिया। अब यहाँ पे क्वाइल को जो है इस तरह से लपट दीजिए फर्मे के अंदर और यहाँ पे जो है क्वाइल बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्वाइल में जो टर्ने देनी है वो हमारी होने वाली है दोस्तों 220 टर्न, यानी कि 220 टर्न की यहाँ पे जो है आपको जो है 4 कॉइल बनानी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे जो है ये पहली कॉइल बनके तैयार हो चुकी है, 3 कॉइल और भी बनानी है। तो यहाँ पे मैं दूसरा कॉइल बना रहा हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों, आप जो है दूसरा कॉइल भी बना लीजिए। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो है दूसरा कॉइल भी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं तीसरा कॉइल बनाऊंगा। यहाँ पे टोटल में सभी कॉइल में दोस्तों आपको जो है 220 टर्न यहाँ पे जो है देनी है 17 इंच गोलाई पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है तीसरी कॉइल भी बनके तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको जो है चौथा कॉइल बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो है चौथा कॉइल बना रहे हैं, सेम कंडीशन है, यानी कि आप जो इस तरह से चौथा कॉइल को भी बना लीजिए 220 टन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हो चुकी है। इस कॉइल को जो है बांध के उतार लीजिए। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे जो स्पीड की कॉइल बनेगी वो हमारी स्टार्टिंग कॉइल में बनने वाली है, यानी कि हमारी जो लो मीडियम हाई इस तरह जो काम करती है हमारी स्टार्टिंग में ही काम करती है। तो फिर से दोस्तों आपको जो है फर्मे को जो है 17 इंच गोलाई में सेट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है क्वाइल बनाना शुरू कर देना है। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर टर्ने देनी है 200 टर्न 37 नंबर वायर से, यानी कि 200 टर्न आपको जो है यहाँ पे देना है 37 नंबर वायर से। अब यहाँ पे आपको जो है पहला कॉइल जो है कुछ इस तरह से बना लेनी है और यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ अभी जो है नहीं करनी है। अब आपको जो है दूसरा कॉइल बनानी है, यानी कि 200 कंप्लीट हो जाती है आपको यहाँ पे जो है दूसरा कॉइल बनानी है। तो यहाँ पे अभी जो है आपको कुछ भी नहीं करनी है, इसे आपको जो है कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि दूसरा कॉइल बना लीजिए आप जो है पूरी तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको जो है दूसरा से तीसरा कॉइल जो हमारे यहाँ पे जो है सीरीज जाती है वहाँ से हम जो एक लीड निकालेंगे जो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है लो स्पीड की लीड होने वाली है। देखिए दूसरा से तीसरा कॉइल में जो हमारी सीरीज जाती वहाँ से हमने जो है एक लीड को निकाल दिया है और ये दोस्तों हमारी जो है सबसे लो स्पीड की लूप हो गई है।
आप चाहे दोस्तों यहाँ पर एक स्टिकर लगा सकते हो पहचान के लिए, बट यहाँ पर मैं स्टिकर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे याद है। आप यहाँ पे चाहे तो स्टिकर लगा सकते हो ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखिए यहाँ पे जो है तीसरा कॉइल बनाना आपको जो शुरू कर देना है इस लीड को निकालने के बाद। जब हमारी तीसरा कॉइल भी बनके तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे आप जो है तीसरा से जो चौथा कॉइल में हमारी सीरीज रहती है यानी कि कॉइल की कनेक्शन रहती है, तो यहाँ से आपको जो एक लीड को निकालनी है। ये दोस्तों हमारी हो जाती है मीडियम स्पीड के लिए। यहाँ पर हमारी जो पंखा ही हमारी जो है मीडियम में घूमेगी। और यहाँ पर देखिए कॉइल को इस तरह से मोड़ के और इस कॉइल को यहाँ पे जो लपट दीजिए। आप चाहे दोस्तों यहाँ पर आप जो एक मिड लिख के स्टिकर लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपको जो चौथा कॉइल बना लेनी है। यहाँ पर आप जिस तरह से कॉइल बना रहे हो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो आप कॉइल को भी डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे टर्न कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारी सबसे लास्ट लीड है ये हमारी कॉमन वायर बनेगी और ये हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वायर को तोड़ के दिखाता हूँ हमारी रनिंग में कितना ग्राम वायर लग रही है, 83 ग्राम मात्र। अब आपको मैं स्टार्टिंग कॉइल को यहाँ पर दिखाता हूँ हमारी स्टार्टिंग में कितना ग्राम वायर लगेगी। तो यहाँ पे हमारी जो है 76 ग्राम वायर लग रही है। दोनों मिला के हमारी कितनी वायर लगती है वो भी देख लीजिए, 159 ग्राम यानी कि मान लीजिए 160 ग्राम हमारे यहाँ पे जो टोटल वायर लगेगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको जो कॉइल बनाना सिखाया था कि हमारी कॉइल किस तरह से तैयार की जाती है और डाटा भी हमने आपको जो है बता दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बात आती है ये हमारी कॉइल इंस्टॉलेशन की बात आती है। तो हमारी कॉइल जो डलने वाली है वो हमारी किस तरह से डलने वाली है, यहाँ पे हमारी कॉइल पिच क्या होने वाली है आइए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी कॉइल पिच होगी वो हमारी 1 से 4 में 3 राउंड होने वाली है, यानी कि एक कॉइल जो है हमारी दोस्तों ये हमारी एक स्लॉट में 3 बार डालेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए कॉइल को जो है इंस्टॉलेशन करते हैं सभी स्लॉट में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है रनिंग की कॉइल है, चलिए यहाँ पर मैं रनिंग कॉइल को डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रनिंग कॉइल को डालते समय आपको जो एक चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है, यानी कि यहाँ से हमारी जो वाइंडिंग जो होती है दोस्तों ये हमारी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो यहाँ पे इस लीड को रखना चाहते हैं, यानी कि आप देख सकते हो तो ये है हमारी इनर लीड, यानी कि यहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हुई है और हमारी यहाँ से ख़त्म हो रही है, यानी ये जो लूप है दोस्तों हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि इस लीड को आप किस साइड रखना चाहते हो, इस साइड यानी कि राइट में रखना चाहते हो या इस साइड यानी कि लेफ्ट में रखना चाहते हो। मैं इस लूप को रखता हूँ हमेशा दोस्तों राइट में, यानी कि इस साइड में रखता हूँ। अगर दोस्तों हम इस साइड से रखते हैं तो हमें जो है वाइंडिंग करना होगा दोस्तों इस कॉइल को उसी हिसाब से, यानी कि कनेक्शन हमें जो करते जानी है। अगर मान लीजिए आप जो इस कॉइल को जो इस तरह से रखते हो तो आपको जो है कनेक्शन भी आपको जो उसी तरह से करते जानी है। तो मैं इस तरह से ही वाइंडिंग करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करनी है, सबसे पहला नंबर कॉइल को जो इस स्लॉट के अंदर यहाँ पर जो है डाल लेनी है, किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पर इस कॉइल को जो है डाल दीजिए। डालने के बाद आपको जो है 2 स्लॉट छोड़नी है और इस कॉइल को जो इंस्टॉलेशन कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी दोस्तों अभी जो 1 राउंड हुई है, अभी हमें जो है 2 राउंड और भी कंप्लीट करनी है। तो आइए हम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को इस तरह से यहाँ पे पकड़नी होगी और इस तरह से हमें यहाँ पर जो फोल्ड करनी होगी, यानी कि आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये कॉइल अभी हमारी दोस्तों कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर जो कॉइल को इस तरह से पकड़ा है और इस तरह से हमने यहाँ पर जो फोल्ड कर लिया है आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे इस कॉइल को जो इस स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल देंगे, इसे भी हम कॉइल को जो है इस स्लॉट में इस तरह से डाल देंगे। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे ये 2 राउंड हुई है, अभी हमें जो 1 राउंड यानी कि फाइनल राउंड बची हुई है। तो चलिए हम कॉइल को जो उसी स्लॉट में फिर से डालेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे आपकी वायर बाहर निकलती है तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक पेपर लगा देनी है ताकि आपकी जो कॉइल होगी वो बाहर नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी फाइनल राउंड है यानी कि लास्ट वाली, आपको जो है कॉइल को जो है कुछ इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से आपको जो घुमा लेनी है और फिर से आपको जो है उसी स्लॉट में जाके कॉइल को जो है इंस्टॉल कर लेनी है। तीसरा राउंड को कंप्लीट करने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारी जो टर्न है दोस्तों वो हमारी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर स्लॉट छोट होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो है और टाइट जा रही है। तो आपको यहाँ पे जो कॉइल को इस तरह से डाल लेनी है। तो एक कॉइल हमारी डल गई है दोस्तों, यहाँ पर हमारी अब कनेक्शन होने वाली है, यानी कि आउटर से आउटर, इनर टू इनर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी जो है आउटर लीड है, यानी कि हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। तो इस लीड को हमें जो है आउटर में ही पहुँचाना पड़ेगा। तो आपको जो आउटर में पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कॉइल को पलट लेना है, यानी कि एक कॉइल को आपको जो है सीधी डालनी है, दूसरी को उल्टी, फिर तीसरी को सीधी, फिर चौथा को उल्टी। तो कुछ इस तरह से आपको जो है कॉइल को डालनी है। देखिए हमारी कॉइल इस तरह से है और यहाँ पर मैं कॉइल को इस तरह से पलट लूँगा तो हमारी ये आउटर में लीड निकली थी तो हमारी आउटर में ही चल जाएगी। तो बस इस चीज़ को आपको जो कनेक्शन पे ध्यान देनी है, यानी कि हर एक कॉइल को डालते समय सिर्फ आप कनेक्शन देख लीजिएगा हमारी कनेक्शन सही जा रही है कि नहीं। तो आप देखिए हमारी जो है ये जहाँ से हमने जो वाइंडिंग शुरू किया था वो हमारी राइट में लूप निकली थी, दूसरी कॉइल से हमारी जो लीड सीरीज थी वो हमारी जो है लेफ्ट में हमारी निकली हुई थी। तो लेफ्ट टू लेफ्ट में ही आपको पहुँचानी है।
अगर राइट में लीड निकलती है तो आपको जो राइट में ही पहुँचानी पड़ेगी। तो बस इस चीज़ का मुझे ध्यान रखनी है। देखिए हमारी ये लेफ्ट में है तो ये हमारी जो लेफ्ट में ही गई हुई है, यानी कि आउटर से आउटर में हमारी ये कनेक्शन गई हुई है। तो इस चीज़ को आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हो तो यहाँ पे आपकी मोटर 100% दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाली है। मोटर हीट नहीं होगी, मोटर की लाइफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरह दोस्तों आपको यहाँ पे जो दो राउंड कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। दो राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको जो फाइनल राउंड भी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि हमारी स्लॉट छोटी है और यहाँ पे स्लॉट छोटी होने की वजह से वायर डालने में आपको जो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अगर वायर एक साइड से निकलती है तो आप जो है एक साइड से पेपर लगा दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ पर जो है वायर को डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम आपको जो है लग सकती है, टर्न आप यहाँ पर जो है कम करते हो, यहाँ पर आपकी मोटर दोस्तों हीट होगी। मोटर के हिसाब से हमारी बिल्कुल परफेक्ट टर्न है और आसानी से डल भी जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती, बस थोड़ा सा टाइम लग जाती है। तो जल्दी से आप यहाँ पे जो है हमारी यहाँ पे जो है दूसरी कार भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये हमारी जो लीड निकली है ये हमारी इनर निकली है, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इसे राइट में पहुँचाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सीधा कॉइल को उठानी है और स्लॉट के अंदर हमें जो है डाल लेनी है। हमने आपको बताया है ये कॉइल को आपको जो है सीधी डालनी है, दूसरी को उल्टी, फिर तीसरी को सीधी, फिर चौथे को जो है उल्टी डालनी है। इस तरह से यानी कि इनर में लीड निकली है यानी कि राइट में निकली है तो राइट में ही लीड को पहुँचानी है, और आउटर में लीड निकली है यानी कि लेफ्ट में निकली है तो लूप को जो है लेफ्ट में ही पहुँचानी होगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये कनेक्शन जो बिल्कुल सही है, तो हमारी एक राउंड अभी यहाँ पे जो कंप्लीट हुई है, यानी कि पहला कॉइल हमने उठाया और सीधा स्लॉट में डाल दिया। दूसरा कॉइल को हमें क्या करना है, प्लट लेना है। तीसरा कॉइल को दोस्तों में जो सीधा उठाना है और डाल देना है। चौथा कॉइल को दोस्तों में जो फिर से प्लट लेना है। इस तरह से आपको जो छोटी सी बात को आप मुझे ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर आपके जो कॉइल कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, यानी कि सही हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैं कॉइल को जो इस तरह से फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हो, और फोल्ड करके मैं इस कॉइल को जो पूरी तरह से डाल के कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो हमारे यहाँ पे जो तीसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है, हमारी फिर से यहाँ पे जो कनेक्शन होने वाली है। ये लीड हमारी निकली है दोस्तों, ये हमारी आउटर में निकली है यानी कि लेफ्ट में निकली है, इसे हम जो लेफ्ट में ही पहुँचाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को जो इस तरह से पलट लेना है, यानी कि हमारी ये लीड आउटर में निकली है तो हमें कॉइल को पलटेंगे तो हमारी ये लीड आउटर में ही चल जाएगी। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने जो एक साइड से कॉइल को डाल लिया, दूसरी साइड से भी हमने जो कॉइल को डाल दिया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैं पूरी तरह से फोल्ड कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो रनिंग कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लिया। अभी दोस्तों यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे, तो स्टार्टिंग कॉइल को डालते समय दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि हमें वाइंडिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी लूप है दोस्तों, ये हमारी यहाँ से शुरू हुई है वाइंडिंग, वहाँ हमारी यहाँ पर जो है ख़त्म हो गई है। तो हमें जो वाइंडिंग को शुरू करना है दोस्तों अभी यहाँ से शुरू करनी, यानी कि जहाँ से आपने जो है वाइंडिंग को शुरू किया था उससे अगले वाली घर से आपको जो वाइंडिंग को शुरू करना है। यहाँ पे कॉइल डालना है और यहाँ पे कॉइल डालना है। इसका दोस्तों एक फ़ायदा है, कॉमन वायर बनाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। तो आइए दोस्तों मैं यहाँ से जो है वाइंडिंग को शुरू करता हूँ, इस वाली कॉइल से और इस वाली कॉइल से इस लूप के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है स्टार्टिंग की एक कॉइल उठानी है और दोस्तों इस कॉइल को जो है आपको जो सीधी स्लॉट में डाल देनी है, जहाँ से हमने जो आपको वाइंडिंग शुरू कहा है करने को वहीं से आपको जो शुरू करनी है। और कॉइल आपको उठानी है दोस्तों, पहला कॉइल हमारी जो है बनी थी आपने देखा था यहाँ पर, यानी तीसरी कॉइल से हमारी यहाँ पर जो है स्पीड की कनेक्शन निकली थी। तो जिस हिसाब से वाइंडिंग हुई थी वहीं से आपको जो है कॉइल को उठा के और स्लॉट के अंदर डालनी है। एक से चार में हमारी यहाँ पर जो है तीन राउंड ये भी हमारी होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और चलिए यहाँ पर मैं इस कॉइल को जो डाल के कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ पर स्टार्टिंग की जो हमारी कॉइल डलेगी दोस्तों सेम रनिंग की तरह डलेगी, यानी कि थोड़ा भी यहाँ पर जो अंतर नहीं होने वाली है। कनेक्शन में हमारे यहाँ पे जो है आपको समझ में नहीं आ सकता है, बट यहाँ पे कॉइल आप आसानी से डाल सकते हो। तो देखिए हमने जो एक साइड से यहाँ पे जो डाल के कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं स्टार्टिंग की चारों कॉइल डाल के और आप लोगों को मैं कनेक्शन यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारा कॉइल को जो है डाल के कम्प्लीट करता हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो दूसरा राउंड अभी जो कम्प्लीट हुई है आप देख सकते हो, और अब आपको जो है तीसरा राउंड भी कम्प्लीट कर लेनी है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया हमें जो कॉइल को किस तरह से डालना है, आपने देख ही लिया है। कॉइल डालना दोस्तों काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको जो है कनेक्शन पे ध्यान देनी है। देख सकते हो हमने यहाँ पे जो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों को डाल के कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे फ्रंट साइड की तरफ हमने जो सिलाई भी कर लिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे बात आती है कनेक्शन की, तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को दोस्तों हमने जो डाल के नहीं दिखाया है क्योंकि वाइंडिंग दोस्तों हमारी सेम ही होती है और कनेक्शन हमारे यहाँ पे सेम ही होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो मेन होती है यहाँ पे लूप जोड़ने की होती है, यानी कि हमारी आखिर में ये हमारी कनेक्शन होती है, किस तरह से हमें कॉमन बनाना है, किस तरह से हमें यहाँ पे जो थ्री वायर की कनेक्शन निकालना है, चलिए आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहला नंबर पकड़ना क्या है कि रनिंग की हमारी दो लूप होती है और स्टार्टिंग की हमारी दो लूप होती है। सबसे पहला नंबर हमें जो है उस चार वायर को पकड़नी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है वाइंडिंग को शुरू किया था रनिंग को यहाँ से, और हमारी वाइंडिंग ख़त्म हो जाती है यहाँ से, यानी कि ये दो हमारी लूप हो गई, हमारी रनिंग की हो गई।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने जो स्टार्टिंग को शुरू किया था, हमने आपको बताया था एक घर हमें जो आगे से शुरू करना है। तो आप देख सकते हो वो लूप हमारी दोस्तों ये है, यानी कि हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग यहाँ से शुरू हो रही है और हमारी ख़त्म हो रही है दोस्तों ये वाली लीड से, यानी कि यहाँ से। तो ये चार लूप हमारी मेन होती है, यानी कि हमारी इस पंखे की। अब यहाँ पे हमारी जो दो लीड बचती है दोस्तों, ये हमारी स्पीड वायर की होती है स्टार्टिंग के। हमें दोस्तों यहाँ पे इस पर अभी ध्यान नहीं देनी है, हमें अभी ध्यान देनी है इस चार लूप पे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कॉमन वायर बनाना पड़ता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला के हमें यहाँ पे जो कॉमन वायर बनाना पड़ता है। तो हमें कॉमन किस दो वायर को बनाना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जो है वाइंडिंग को शुरू किया था रनिंग की, यहाँ से स्टार्टिंग हमारी यहाँ से शुरू हुई है। चाहे तो आप जो है इस दो वायर को भी कॉमन बना सकते हो, और चाहे तो दोस्तों आप जो है इस दो वायर को भी कॉमन बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको जो है बताऊँगा इसी दो वायर को आप जो है कॉमन वायर बनाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो आप लीड देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी मीडियम स्पीड की लीड है और इसके जस्ट बगल में हमारी ये हमारी जो है हाई स्पीड की लीड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला नंबर क्या करनी है, इस दो वायर को हमें जो है कॉमन बना देनी है। चलिए यहाँ पे हम एक जो है ब्लू कलर की वायर को कनेक्ट करने वाले हैं और ये सबसे हमारी हाई स्पीड की भी लूप होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये लीड है आप देख सकते हो, ये हमारी रनिंग की लीड है, जो है इस पे जो है एक कैपेसिटर की भी वायर कनेक्ट होगी और दोस्तों हमारी एक जो है फेस लाइन की भी सप्लाई जाने वाली है। तो यहाँ पे हमें जो है दो वायर को कनेक्ट करनी है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक ब्लैक और एक यहाँ पे ग्रीन वायर को कनेक्ट करूँगा। और दोस्तों अब हमारे पास कितनी वायर बच रही है, ये हमारी एक वायर बच रही है यानी कि स्टार्टिंग वाली। इस पर हमारी जो है एक कैपेसिटर की वायर लगती है, इस पर भी दोस्तों मैं एक जो है ग्रीन वायर को कनेक्ट करूँगा, यानी कि इस दो वायर पर दोस्तों हमारी यहाँ पर जो एक ग्रीन और एक ग्रीन यहाँ पर भी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो वायर बच रही है दोस्तों। तो हमने जो है वाइंडिंग को पहले आपने देखा होगा कि हमने जो है स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल बना रहा था, तो वहाँ पे हमने जो एक कॉइल बनाया था, फिर दूसरा कॉइल बना लिया था। दूसरा कॉइल बनाने के बाद दोस्तों हमने जो है एक लूप निकाला था, यानी कि दूसरा से तीसरा कॉइल में जो हमारी जो है सीरीज जाती है उसके बीच से हमने जो एक लीड निकाला था दोस्तों, ये हमारी जो सबसे स्लो स्पीड की लीड थी। तो एक लीड हमारी ये स्लो स्पीड की है, इस रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो है चौथा कॉइल जब बना रहे थे तो वहाँ पर जो है एक लीड निकाले थे, तो ये वाली लीड हमारी ये है, यानी कि ये हमारी मीडियम स्पीड के लिए हो गई है। इस पर हम दोस्तों या तो आप यहाँ पे वाइट वायर भी कनेक्ट कर सकते हो, या चाहे तो आप यहाँ पे येलो वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे येलो वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह दोस्तों यहाँ पे इसकी कनेक्शन है, काफ़ी सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों यहाँ पर मैं सारा यहाँ पर जो इसकी पॉलिश को जला के और आपको मैं कनेक्शन यानी कि लीड जुड़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो एक ब्लू वायर ले लिया है और जिस दो वायर को हमने कॉमन बनाया था, यानी कि ये वाली और ये वाली कॉइल है हमारी, तो इस दो वायर को हमने जो एक स्लिम में कर दिया है। और इसे दोस्तों हम यहाँ पे जो है इस कॉमन वायर पे लगा देते हैं इस तरह से। सो ये हमारी हो जाती है कॉमन और ये दोस्तों हमारी सबसे हाई स्पीड की भी लूप हो जाती है। अब हमें फिर से यहाँ पे जो है रनिंग पे आनी है और रनिंग पे दोस्तों आपको जो है एक ग्रीन वायर लेनी है, ये हमारी कैपेसिटर पे जाएगी, और दोस्तों एक ब्लैक वायर लेनी है, ये हमारी सप्लाई के लिए होने वाली है, यानी कि फेस सप्लाई हमारी इसमें जाने वाली है। दोनों वायर को आप जो इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए और इस पर दोस्तों आप जो ये हमारी रनिंग की लूप है, इस पर आप जो है इस वायर को कनेक्ट कर दीजिए। सो यहाँ पे हमारी ये दो तीन लीड हमारी जुड़ चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करनी है, फिर से एक जो है ग्रीन वायर लेनी है और यहाँ पे आपकी बच रही है दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग वाली, तो स्टार्टिंग को पकड़ के और दोस्तों इस पे जो है फिर से आपको जो है एक ग्रीन वायर को कनेक्ट कर लेनी है। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है कैपेसिटर की दूसरी वायर जो होगी वो हमारी कनेक्ट होने वाली है। दोनों ग्रीन पर हमारे जो है कैपेसिटर की एक एक वायर लगने वाली है। अब फ्रेंड्स आपके पास बच रही है यहाँ पे जो है दो वायर। अब दो वायर में बच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमारे यहाँ पे दूरी में है, तो ये हमारी सबसे लो स्पीड की है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक रेड कलर की वायर लेंगे और यहाँ पे हम जो है कनेक्ट कर देंगे। लास्ट यहाँ पे जो बच रही है तीसरा से जो हमारी चौथा कॉइल हमारी जो सीरीज होती है वो वाली हमारी लीड है, ये हमारी जो है मीडियम स्पीड के लिए है। और एक येलो कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे।
और इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन टोटल हो जाती है, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमने कॉमन बनाया था ये हमारी कॉमन थी और यहाँ पे हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो ये रनिंग की लीड थी, रनिंग की दूसरा हमारा जो लीड थी, इस पर हमने जो एक ब्लैक और एक हमने जो है ग्रीन को कनेक्ट किया है। और ये दोस्तों इसमें जो एक सप्लाई भी जाने वाली है, फेस सप्लाई, और इस पर दोस्तों हमारी कैपेसिटर की एक वायर लगेगी। अब देखिए जो हमारी स्टार्टिंग की एक लीड बच रही थी, इस पर दोस्तों हमने जो ग्रीन वायर को कनेक्ट किया है। और दोस्तों ये जो हमारी लीड जाने वाली है कैपेसिटर के पास जाएगी, यानी कि कैपेसिटर की एक वायर इस पर हमारी लगने वाली है। ये जो हमारी रेड कलर की वायर है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो है दूसरी से तीसरी कॉइल में सीरीज जाती है, उस पर दोस्तों हमारी ये लीड निकली हुई है रेड कलर की, हमारी सबसे स्लो स्पीड की लीड है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी तीसरी से चौथी कॉइल में जो लीड जाती है और उस पर से हमारी जो ये कनेक्शन निकली थी, ये हमारी येलो वायर है और ये हमारी सबसे मीडियम स्पीड के लिए होती है। कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पर सारा लीड की कनेक्शन है। आप इसे ध्यान रखिएगा कि कौन सी वायर को हमने जो है कहाँ पर कनेक्ट किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसमें स्लीव लगा के कम्प्लीट कर लेनी है, और स्लीव लगा के इसके बाद दोस्तों आपको जो है इस मोटर को सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो स्लीव लगा के कंप्लीट कर देता हूँ और मोटर को सिलाई करके इसमें बार्निश कर दूंगा, और आपको मैं चला के दिखाता हूँ। इस लूप की लाइफ को बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप सोल्डरिंग कर दीजिए, काफ़ी बेहतर यहाँ पे जो इसकी लूप चलेगी, यानी कि लाइफ मोटर की काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके और मोटर में कनेक्शन यानी कि स्लीव लगा के कनेक्शन करके सिलाई कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोस्तों मोटर को अच्छी तरह से फिट करके कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे बात आती है कनेक्शन की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर कैपेसिटर लेनी है। और कैपेसिटर की जो हमारी दो वायर थी दोस्तों, वो हमारी जो है दो ग्रीन थी, तो इस पर हम जो है एक एक कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो एक कैपेसिटर ले लिया है और 2.5 mm की, और इसके जो हमारी ग्रीन वायर है कैपेसिटर के लिए, इस पर आपको जो है एक एक वायर को जो है कनेक्ट कर लेनी है। इस तरह से दोनों वायर को जो है कुछ इस तरह से आपको जो है कनेक्ट कर लेनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं चेक करा के दिखाता हूँ हमारी मोटर यहाँ पर किस तरह से चलती है। तो सप्लाई देनी है एक ब्लैक पे, और आप जो है किसी भी तीनों वायर जो हमारी यानी कि ब्लू, रेड और येलो जो है, किसी पर भी आप टच करिएगा तो आपकी मोटर 100% चलेगी, यानी कि स्पीड में आपको जो है काम करने वाली है। सो हमने यहाँ पर जो है सप्लाई दे दिया है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है किसी भी एक वायर पे कनेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पर जो है येल्लो पर टच किया है। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर मीडियम स्पीड में चल रही है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो है अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क भी करती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती। हमने यहाँ पे जो ब्लू पे टच किया है, यानी कि ये हमारी जो सबसे हाई स्पीड की लूप है और यहाँ पे हाई स्पीड में ही चल रही है। और हमारी जो रेड है दोस्तों, ये हमारी सबसे लो स्पीड की है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा आप सीरीज टेस्ट लैंप को देखिए, यह अभी हमारी जो है लो स्पीड की है। इसके बाद मैं मीडियम पे देता हूँ, मीडियम पे देखिए हमारी कितनी ग्लो कर रही है। इसके बाद मैं हाई पे देता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर बल्ब थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर जो बढ़ती रहती है। तो अभी देखिए हमारी हाई स्पीड पे चल रही है। तो अब आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, यानी कि लाइव यहाँ पे मैं वोल्ट देता हूँ 220 वोल्ट। तो आप मुझे कनेक्शन करना है दोस्तों किस तरह से, यहाँ पे आप जो मोटर को खोल के देख लीजिए, यानी कि नीचे वाली ढक्कन को खोल के देख लीजिएगा हमारी स्विच पे कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट है, उस हिसाब से वायर को देखते हुए ऊपर की ओर से आपको जो वायर को कनेक्ट करनी है। चलिए मैं इसका जो वायर है दोस्तों, इसे मैं कनेक्ट करके और आपको मैं चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी जो ब्लैक वायर है, ये हमारी फेस सप्लाई, यानी कि इसमें जो डायरेक्ट सप्लाई गई हुई है फेस की, तो इसे दोस्तों हम यहाँ पे ब्लैक पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक ब्लू वायर लेनी है, ब्लू को दोस्तों ब्लू से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जो हमारी ब्लू वायर है दोस्तों, वो हमारी जो है सबसे हाई स्पीड की पॉइंट पे जरूरी, यानी कि एक नंबर वाली हमारी जो है पॉइंट पे जरूरी है। और जो हमारी रेड है दोस्तों, ये हमारी तीन नंबर की है, यानी कि सबसे लो स्पीड की है। और जो हमारी व्हाइट वाली आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी मीडियम की, यानी कि मीडियम हमारी येल्लो है, तो इस पर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। तो एक पे दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है सबसे हाई स्पीड पर चलने वाली है। तो इस तरह की आपको जो लॉक लेके यहाँ पे जो वायर को कवर कर लेनी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जो सभी वायर को कवर कर लेनी है, काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे जो सप्लाई दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाली पॉइंट, ये हमारी जो सबसे हाई स्पीड की पॉइंट है, यानी कि हमारी अभी पंखा जो हाई में चल रही है। इसके ऊपर दोस्तों हमारे यहाँ पे जो मीडियम है, इसके ऊपर दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है लो स्पीड की है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे पंखा ये काफ़ी बेहतर यहाँ पे है चल रही है, स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी बना रही है, आप देख सकते हो। तो कोई भी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि अभी दोस्तों हमारी यहाँ पे जो हाई स्पीड पे है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये डाटा भी काफ़ी बेहतर है और स्पीड भी हमारी फैन काफ़ी अच्छी तगड़ी बना रही है। 3 स्पीड में वाइंडिंग किस तरह से करते हैं पंखे को आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।